नमस्कार, मैं न्यूज ब्रीफ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं कुणाल कृष्णा आज आपको अपने इस क्लास में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के ऊपर कुछ बातें रखने जा रहा हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर कमेंट करें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम देश के हित में उठाया, और वह था कि चाइनीज ऐप्स को जो लगभग 59 की संख्या में है, उन्होंने उसको बैन कर दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम भारत सरकार ने अपने आईटी एक्ट 69A के तहत उठाया है। बात अब इस कदम को उठाने के पीछे यह है कि भारत सरकार किसी भी रूप से भारतीय देश की स्वतंत्रता, अखंडता और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकती है। अब मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी देश जो विकास करता है, वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, अपने हितों के आधार पर विकास करता है। लेकिन हम जिस तरह से दुनिया भर के नए चीज़ों को, जिस तरह से यह 130 करोड़ की आबादी सीधा सीधा अपना रही है, स्वीकार कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं पूरे जनमानस में एक नई विचारधारा एक उत्पन्न हो रही है कि हम कब तक किसी दूसरे को फॉलो करते रहेंगे, हम अपने लिए भी कोई भी चीज़ क्यों नहीं बनाएंगे। तो यह एक प्रकार से हमारे उन तकनीकल छात्रों के लिए भी एक बहुत ही गंभीर विषय है कि वो इस तरफ ध्यान दें और एक नवोत्पाद जैसी चीज़ों को वो मतलब समाज के सामने, देश के सामने लाएं। और हम चाइना या पाकिस्तान या अमेरिका या रसिया जैसे जो भी वो वस्तुएं हम उनके आयात करते हैं, उनका एक अपना एक बेहतर विकल्प इस देश में खुद ही तैयार कर सकें। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने एक खुद के अपने अध्ययन और सर्वे से यह पाया है कि हम जो भी चीज़ ऐप को डाउनलोड करते हैं, चाइनीज जो भी ऐप्स डाउनलोड हम करते हैं, उसको डाउनलोड करने से हम अपनी सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं जो है वो गिरवी पर रख रहे होते हैं। क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत जो भी, आजकल आपको पता ही है कि सारी चीज़ें जो है एक मोबाइल के अंदर सिमट गई है पूरी ज़िंदगी। तो इस मोबाइल के अंदर जो ऐप्स हैं, उसको डाउनलोड करने के साथ उसके जो भी नियम कानून हैं, आप उनसे बंध जाते हैं और वो आपके सारे डेटा को एक जगह स्टोर कर लेता है। जो भविष्य में जिस तरह की मतलब बातें की जाती है कि सूचनाओं का युग है, सूचनाएं प्रधान समाज है, तो भविष्य में कहीं ना कहीं इसको मतलब एक वेपन्स के रूप में इस्तेमाल कोई भी देश कर सकता है। हाँ, मैंने तो देखा कि कई सारे ऐप ने तो हमारे कल्चर को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जैसे हम एक ऐप्स को देखते हैं कि जैसे ब्यूटी ऐप है, चाइनीज ब्यूटी ऐप, तो हम चूंकि चाइना में एक ही तरह के लोग दिखने में लगते हैं, तो वो भारत के जो मल्टी कल्चर सोसाइटी है, विविध समाज है, उसको भी वो एक जैसा बनाने का प्रयास करते हैं और सबको गोरा, सबको एक कलर जो एक जो इन्फ्रेटी है उससे वो उसको भावनाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जैसे मैं देखता हूं कि कुछ ऐप जैसे लाइकी है, टिकटॉक है, जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, जो ऐप हेलो ऐप है, जो हमारे युवाओं को प्रोडक्टिव कामों में लगा के ऐसे कामों में मतलब झोंक रहा है कि जो उनको मतलब और भी जो रचनात्मक कार्य कई अन्य क्षेत्रों में वो कर सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज विज्ञान के क्षेत्र में, वो यहाँ टिकटॉक जैसी जगहों पे एक तुच्छ और छुदा पॉपुलैरिटी को पाने में अपनी सारी ऊर्जा को लगाने में लग जाते हैं, जो हमारे देश की एक युवा पीढ़ी को भी दिग्भ्रमित कर रहा है। अब मैं इस तरह से बहुत सारे ऐप्स को जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारा जो ये मोबाइल भी जो चाइना देता है, उसके वो सारे ऐप्स हमारे बहुत सारे रैम को जो है वो ओवरलोडेड कर देते हैं और फिर वो किसी काम का रह नहीं जाता है, और इसकी गुणवत्ता, तकनीकों पर भी बहुत सवालिया निशान लग रहे हैं। हमारे अमेरिका के पेंटागन कमेटी की रिपोर्ट ने भी टिकटॉक को बैन करने के लिए अमेरिकी सरकार से आह्वान किया था, उनको उन्होंने एक डॉक्ट्रिन भी सबमिट किया। जिस तरह से हमारे देश के वीर सैनिक जवान देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं, उसी तरीके से हमारा भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी देश के अंदर रह के इन
जो ऐप्स हैं, इस तरह के जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह का जो जो चाइना के से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे युवाओं, हमारे हमारे हर चीज़ को प्रभावित कर रही है, हमारे आर्थिक सामाजिक सभी जीवन को प्रभावित कर रही है, उससे हम बिल्कुल किनारा करें, उसका मुँह तोड़ जवाब दें। और हमें अपने पूरे भारतवासियों देशवासियों को पूरा गर्व है कि वो इस चीज़ों को बिल्कुल करेंगे और राष्ट्र को एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। और इसका सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया, इसका सुखद परिणाम सबके सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।